Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the recombinant DNA technology and introduction about recombinant DNA technology. I will cover about the terminology, basic terminology used in the recombinant DNA technology and the basic process of cloning. So let's see the recombinant DNA technology. सो वॉट इज़ द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी. अगर रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वॉट इज़ द डिफिनीशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी. एज द नेम सजेस्ट इट इज़ रिकॉम्बिनेंट, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ टू जीन सिक्वेंसेज. सो वॉट इज़ द डिफिनीशन, इट इज़ द टेक्निक्स दैट रिकम्बाइंस द डी एन ए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अगर आप दो डिफरेंट सोर्सेज के डी एन ए को कम्बाइन करते हैं तो उस डी एन ए जो कंबाइंड डीएनए बनेगा उसको क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. एंड उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग. हु डिस्कवर्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दैट इज पॉल बर्ग. पॉल बर्ग इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इट पॉल बर्ग हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल which is the combination of DNA from SV40 virus and lambda phage, which is the combination of SV40 virus and lambda phage. ठीक है, इन दोनों को मिलके जो उन्होंने recombinant molecule तैयार किया था, ठीक है, वो पहला recombinant molecule था. ठीक है, what is the DNA cloning? DNA cloning की बात की जाए तो cloning मतलब क्या होता है, cloning मतलब कि नंबर ऑफ एनीथिंग, अगर किसी की मल्टीपल कॉपीज, बेसिकली मल्टीपल कॉपीज. ठीक है, मल्टीपल कॉपीज है तो किसका, डीएनए का. ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफिनीशन, इट इज़ द सेट ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू असेंबल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंड टू डायरेक्ट देयर रिप्लिकेशन इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म. मतलब कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है और उसको रिप्लिकेट किया जाता है कहाँ पे, होस्ट ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए. ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका, क्लोनिंग मतलब मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ सिंगल डीएनए. ठीक है, एक पर्टिकुलर डीएनए के मल्टीपल कॉपीज को हम बोलते हैं डीएनए क्लोनिंग. ठीक, डीएनए क्लोनिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सेल फ्री एंड सेल बेस्ड क्लोनिंग. सेल फ्री क्लोनिंग क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इट इज़ सेल फ्री, दैट मीन्स इन विट्रो. इन विट्रो आउटसाइड द सेल, इट इज़ एंजाइम मिटिएटेड, दैट मीन्स आर्टिफिशियली एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सेल फ्री डी एन ए क्लोनिंग. एंड इट इज़ बेसिकली PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव मेथड. ठीक है, द सेकेंड मेथड ऑफ डी एन ए क्लोनिंग इज सेल बेस्ड क्लोनिंग. ठीक है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ सेल फ्री क्लोनिंग. ठीक है, जिसमें क्या होता था कि इन विट्रो मेथड था, आउटसाइड द सेल उसको करते थे हम. सेल बेस्ड क्लोनिंग में क्या करते हैं कि इन विवो मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं, सेल रिक्वायर्ड होता है, सेल मीडिएटेड होता है, इसमें कोई आर्टिफिशियल एंजाइम्स या आउटसाइड द एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं होती. एंड इट रिक्वायर्स द होस्ट सेल. ठीक है, इसमें अगर सेल है तो अगर आपने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर तैयार किया है तो उसके लिए एक होस्ट सेल ज़रूरी होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिकली टू टाइप ऑफ क्लोनिंग्स. फर्स्ट वन इज डी एन ए क्लोनिंग सेल फ्री एंड सेकेंड वन इज सेल बेस्ड क्लोनिंग. ठीक है, दीज आर द सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी. द फर्स्ट वन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, दैट इज GMOs. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मॉडिफिकेशंस मे बी डन बाई द क्लासिकल और कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेथड. दैट मीन्स मॉडिफाइड का मतलब समथिंग मॉडिफिकेशन बाय एनी मेथड, क्लासिकल मेथड भी हो सकता है, कन्वेंशनल मेथड भी हो सकता है, उनकी ब्रीडिंग क्रॉस ब्रीडिंग करा जा सकता है. ठीक है, या रिकॉम्बिनेंट मेथड भी हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर जस्ट सपोज इट इज़ अ रेड फ्लावर हियर एंड इट इज़ अ वाइट फ्लावर हियर. ठीक है, अगर इन दोनों को क्रॉस कराया जाए तो यहाँ पर पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है. तो बेसिकली जो पर्पल फ्लावर होगा वो क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होगा. ठीक है, और
सेकेंड जो टर्म है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म में द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीएमओज एंड जीईओज दैट जीईओज इज डेवलप्ड ओनली बाय द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट मीन्स कि दो जीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक फॉरेन जीन का इंसर्शन भी हो सकता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें किसी फॉरेन जीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कन्वेंशनल मेथड या आरडीटी या क्लासिकल मेथड से बनाए जा रहे हो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है डिफरेंस? ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है वो है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये एक और टर्म है जो कि कन्फ्यूज हो सकता है कि अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जीईओज और ट्रांसजेनिक में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांसजेनिक एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसमें कि एक फॉरेन जीन, ठीक है, एक फॉरेन जीन इंसर्ट किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म में यूजिंग आरडीटी। इस ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब दूसरा सोर्स, जेनिक मतलब सोर्स बेसिकली, ट्रांस मतलब डिफरेंट, तो दूसरे सोर्स से वो डीएनए आ रहा है, ठीक है, फॉरेन जीन आ रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई भी फॉरेन जीन डाला जा रहा हो उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो नॉकआउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नॉकआउट का मतलब है किसी भी जीन को, एक पर्टिकुलर जीन को रिमूव करना किसी भी ऑर्गेनिज्म से। अगर जस्ट सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई एक पर्टिकुलर जीन है, जैसे लैक प्रोड्यूसिंग जीन है या कुछ भी हो सकता है, वो जीन बेसिकली क्या है कि लैक को प्रोड्यूस कर रहा है, जो एंजाइम्स होते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस, लैकोपेरोन के जीन्स मान लीजिए आप, ठीक है, तो उस जीन को हम अगर हम रिमूव करते हैं, ठीक है, जैसे लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ठीक है, अगर आपने लैकोपेरोन पढ़ा होगा तो अगर उनके जीन्स को हम रिमूव कर दें तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज नोन एज नॉक आउट एंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिसमें से कि वो जीन रिमूव किया गया है उसको बोलते हैं नॉकआउट ऑर्गेनिज्म। नॉक इन इसका जस्ट अपोजिट, अगर किसी भी फॉरेन जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जा रहा हो, ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया जा रहा हो तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को नॉक इन ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और इस प्रोसेस को नॉक इन बोलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम की बात करते हैं तो इस डायग्राम में बेसिक प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग दिया गया है। बेसिक प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग क्या होता है, बेसिकली द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लोनिंग इज रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ द वेक्टर एंड टारगेट डीएनए विथ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और दोज एंजाइम्स विच कट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट वेरी स्पेसिफिक साइट। ठीक है, किसी स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को ब्रेक करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो एंजाइम्स क्या होते हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर को भी आपको कट करना है और टारगेट डीएनए को, ताकि जो स्टिकी एंड जो एंड हो वो जनरेट हो सके। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है लाइगेशन का। वेक्टर आपने लिया और टारगेट डीएनए लिया, इन दोनों को क्या किया आपने, लाइगेट कराया। सो अगर टारगेट डीएनए आपके वेक्टर में इंसर्ट हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये टारगेट डीएनए इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अगर वो टारगेट डीएनए क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट नहीं हो पाया तो उसको बोलते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर है। ठीक, तो सेकंड स्टेप इज लाइगेशन। अब बातें हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या होता है क्लोनिंग प्रोसेस का, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, तो उस रिकॉम्बिनेंट आपने क्या किया, आपने पहला स्टेप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर लिया, फिर लाइगेट करा लिया वेक्टर और टारगेट डीएनए को, उसके बाद जो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट जो भी आपका मिला है सोल्यूशन उसको आपने क्या किया, होस्ट सेल के साथ आपने मिक्स किया, ताकि वो जो आपका वेक्टर है वो होस्ट सेल में जा सके। इस प्रोसेस को अपटेकिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आ रहा है होस्ट सेल में, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ऐसे सेल्स को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स।
अगर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है तो ट्रांसफॉर्म सेल्स उसको बोलेंगे, अगर नहीं है उसमें कोई वेक्टर नहीं आया, आप इस डायग्राम को देखिए इसमें कोई भी वेक्टर नहीं है, तो इस सेल को बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म सेल्स। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है सेलेक्शन, दिस इज द फोर्थ प्रोसेस सेलेक्शन। ठीक है, सेलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सेलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग द ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। आपको नहीं पता कि किस सेल में वेक्टर गया है और किस में नहीं गया है, ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है सेलेक्शन। इसके लिए वेरियस मार्कर यूज होते हैं, सेलेक्शन मार्कर्स लाइक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो सेलेक्टिव मार्कर्स होते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्शन। सेलेक्शन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म सेल्स को नॉन ट्रांसफॉर्म से अलग करता है। तो इन सारे में ये दो ट्रांसफॉर्म थे वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। अब फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप इज स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक ये जो डीएनए था जिसमें कि आपका टारगेट डीएनए यहाँ पे आया था, ठीक है, तो इस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी होस्ट में चला जाता है तो उस होस्ट को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे सपोज यहाँ पे अगर ई कोलाई यूज होता है तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई। ठीक है, तो अब ये रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो वेक्टर इंसर्ट हुआ है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें कहीं पे भी फॉरेन जीन नहीं है। ठीक है, फॉरेन जीन बेसिकली यहाँ पे आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे डार्क दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी डार्क एरिया नहीं है। ठीक, तो आपको क्या है, आपको अब डिफ्रेंशिएट करना है किस में, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में। तो आप क्या करेंगे, वेरियस स्क्रीनिंग मार्कर्स होते हैं, कौन कौन से मार्कर्स होते हैं, जैसे लैगजेड मार्कर हो गया, जीएफपी प्रोटीन्स हो गए, और बहुत सारे हिस्टैग मार्कर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम फर्दर रिकॉम्बिनेंट के अदर वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द फिफ्थ स्टेप, सेलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना कि डीएनए। देन फाइनल स्टेप इज एम्प्लीफिकेशन। अब क्या करेंगे कि इस होस्ट को आप एक सूटेबल मीडिया में रखेंगे, और उस मीडिया में जैसे जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर ये बैक्टीरिया है तो वो ग्रो करेगा, जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेगा ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी ग्रो करेगा। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पूरे के पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको यही 5 स्टेप ही मिलते हैं, बस आपको डिफरेंस क्या होता है, अगर आइदर अगर ई कोलाई है तो उसके लिए वेक्टर अलग होगा, होस्ट अलग होगा। ठीक है, ईस्ट से ले तो उसके लिए वेक्टर अलग होगा, होस्ट अलग होगा, प्लांट से ले तो वेक्टर अलग होगा, होस्ट अलग होगा, एनिमल से ले तो वेक्टर अलग होगा, होस्ट अलग होगा। वेक्टर और होस्ट अलग होते हैं, बाकी सब प्रोसेस सेम होता है। पहला प्रोसेस रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, दूसरा प्रोसेस लाइगेशन, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, चौथा सेलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल, और पांचवा स्क्रीनिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स, एंड फिफ्थ जो सिक्स स्टेप जो है वो है एम्प्लीफिकेशन। तो ये 6 बेसिक स्टेप्स ऑफ क्लोनिंग है। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक क्लोनिंग प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू दो स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड द स्टडी एंड हु कैन नॉट अफोर्ड द कोचिंग बेसिकली, तो उनके लिए आप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और आगे मैं लाता रहूँगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे एंजाइम्स यूज होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।